हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो क्या था ना कि पिछले दिनों का वीडियो आपने देखा होगा, कल ही मैंने अपलोड करा था कि हम लोग महाकाल गए थे और उसकी वजह से क्या गैप भी हो गया था 2 दिनों का। जैसे क्या हुआ था कि अचानक, मैं स्टोरी बताती हूँ आपको क्या हुआ था। अचानक से मैं ना बैठी थी ऐसे घर पे ही दिन में, तो अचानक से क्या हुआ, इनका फोन आया तो इनने कहा कि मैं बहुत दिनों से बोल रही थी, काफ़ी दिनों से, कि उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन के लिए। तो इनने फ़ोन करा, मतलब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करा मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैंने टिकट बुक कराई है महाकाल की। अब उनका ये फ़ोन आया था दिन को मुझे कि मैंने टिकट बुक करा दी है महाकाल की। अब नॉर्मल टिकट बुक कराई थी उन्होंने फ्राइडे नाइट की, मतलब नॉर्मल जाने के लिए। हमारा कुछ पहले से, क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं था कि जाना है कैसे क्या, तो कुछ भी प्लान नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने टिकट बुक करा दी। अब मुझे लगा कंफर्म होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 16, 17, 18 हमारी वेटिंग थी। तो इतने में क्या हुआ, शाम को 5:30 बजे मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि बैग्स पैक कर लो, हमें उज्जैन निकलना है। अब मेरे को, क्योंकि 8:30 बजे की ट्रेन थी फटाफट से, अब इतनी हड़बड़ी में भागते दौड़ते हम लोग जैसे तैसे महाकाल पहुंचे। और इतने में क्या हुआ, हमारी ट्रेन जो थी वो भी मिस होने वाली थी, क्योंकि हम लोग भागते भागते तो जा ही रहे थे, लेकिन ऑटो वाले ने भी उस दिन बहुत गड़बड़ मचाई। उसने बोला कि पहले तो यहाँ से निकले हम लोग, फिर रास्ते, उसने शॉर्टकट की जगह सबसे पहले लॉन्ग कट ले लिया। अब लॉन्ग कट लिया जो लिया, 5 मिनट है स्टेशन पहुँचने में और हमारी ट्रेन 8:25 को निकलने वाली है 8:10 पे, और रास्ता दिखा रहा है हमको अभी भी 20 मिनट का। लेकिन 8:10 पे वो बोलता कि मुझे गैस भरवानी है ऑटो में। और मैं तो ब्लैंक एकदम, मैंने कहा नहीं भैया आप बाद में भरा लीजिएगा, क्योंकि हमको तो स्टेशन पहुंचना है, हमको जैसे तैसे महाकाल जाना ही है, इतनी मुश्किल से टिकट मिली है तो जाएंगे तो सही। अब मुझे लगा ट्रेन मिस हो जाएगी आज तो, लेकिन भगवान की कृपा हुई और हम जैसे तैसे उस दिन, उसने धूम 3 की जगह जो ऑटो चलाया, धूम 3 की तरह बाइक जैसे रेसिंग होनी होती है फिल्मों में, वैसे करके ऐसा ऑटो चलाया उसने गैस भराने के बाद, क्योंकि हमने गैस वाले से रिक्वेस्ट करी कि इसका ऑटो जल्दी भर दीजिए क्योंकि वरना हमारी ट्रेन छूटेगी। और जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल दी। तो ये तो मेरी स्टोरी थी कि हम लोग महाकाल कैसे पहुंचे। अब महाकाल तो गए, फिर महाकाल के दर्शन वगैरह वो तो सब आपने वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके वॉच कर लीजिए और देख लीजिए मेरी वीडियो को, ताकि आपको पता चले कि महाकाल में दर्शन कैसे होते हैं। थोड़ा आपको भी गाइडेंस मिल जाएगा कि भाई कैसे जाना है, क्या कैसे। अहमदाबाद में तो, इस अहमदाबाद से तो आप इसी तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ना 6 आवर्स 35 मिनट्स लिए थे यहाँ ट्रेन ने, तो इतने मिनट का ही रास्ता है, मतलब इतने आवर्स का ही रास्ता है। तो आप अहमदाबाद से तो इजीली जा सकते हैं, या आपको जहाँ से भी आना है आप उस अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो हाँ, मेरी बातें तो खैर ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो दूसरी बात ये थी कि हाँ, तो फिर हम पहुँचे महाकाल। फिर महाकाल पहुँच के क्या हुआ कि हम वहाँ गए, मतलब मेरी बुआ सास वगैरह ना भोपाल में रहते हैं, तो हम लोग उनके घर गए, क्योंकि पास में ही था, वहाँ से शायद 3 आवर्स का जर्नी था आगे। हमारे पास सैटरडे का पूरा दिन था, क्योंकि हम लोग सुबह ही दर्शन वगैरह हमारे 7-8 बजे तक सारे कंप्लीट हो गए थे, तो हमारे पास पूरा दिन था। फिर संडे भी था, तो हमने सोचा चलो भोपाल हो के आते हैं। तो हम गए, तो उन्होंने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैंने आके अनबॉक्सिंग नहीं करी थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब मैं, हाँ मैं ये बताती हूँ, ये वाले जो सूट केसेस हैं, ये प्यारे से सूट केसेस ना मेरी सिस्टर ने गिफ्ट करे हैं मेरे बच्चों को बर्थडे के लिए। अभी वो आई थी तो वो दिला के गई है। और ये सूट केसेस वो लोग किसी को छूने भी नहीं देते, अब कोई छू ले तो अच्छा। हम लोग ये लेके गए पूरे टाइम, ये फायदा रहा हमें ये सूट केसेस ले जाने से कि पूरे टाइम अपने सूट केसेस उनने खुद कैरी करे, और उसमें हमारे भी कपड़े थे वो भी कैरी हो गए साथ साथ, हमें सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सूट केसेस का ये भी फायदा है कि बच्चे खुद कैरी करते हैं खुद का सामान, आप भी अपना उसमें भर सकते हैं, ताकि आपको भी जरूरत ना पड़े अपना सामान कैरी करने का। तो ये वाले सूट केसेस थे, चलिए आइए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो मैं दिखाती हूँ, ये तो वो सूट केसेस था, ये भाभी के लिए दिया है मेरी सिस्टर ने, और ये वाला सूटकेस जो है वो बाबू का है। बाबू का ऐसा है, क्यूट सूटकेसेस है ना, मतलब बच्चों के लिए ले सकते हैं हम लोग। इसके फायदे भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरा सामान इसी में रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आके ना गिफ्ट खोले नहीं थे, तो हम लोग देखते हैं कि क्या आया है अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले ही देखिए नटखट,
ये मुझे बड़े पसंद है। मैंने ना मतलब अहमदाबाद में नहीं मिलते, वहां पे मिलते हैं और राजस्थान में मिलते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए काफी सारे नटखट रख दिए थे। अब उन्होंने मुझे दिया, एक्चुअली वो लोग ना बनारस गए थे तो उन्होंने ना मुझे बनारस की साड़ी दी है, बहुत ही सुंदर है। खोल के दिखाती हूँ, देखिए ये बनारस की साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है जब मैं गई थी मेरी बुआ सास में। और नेक्स्ट एक ना सूट भी दिया है, सूट भी काफी प्यारा है। ये रहा ये सूट, इसकी ये स्टोल और इसका ये पैंट, ये भी काफी प्यारा है, ये सूट भी मुझे मिला है। और नेक्स्ट बच्चों को उन्होंने ये बॉटल वाटर बॉटल दी है और ऐसी दो प्लेट बाबू भाभी के लिए खाने के लिए ये दिया है मेरी बुआ सास ने। तो ये सारा था हमारा अनबॉक्सिंग। और मैं महाकाल से लेके आई है ना, मैं सबके लिए ऐसे कड़े लेके आई हूँ सबके पहनने के लिए। एक तो मैंने खुद नहीं पहन रखा है, देखिए आप महाकाल का ना डमरू बने हुए, इस पर अच्छा लग रहा है पहनने में, आप डेली में कैरी कर सकते हैं। एक ये ना महाकाल की चेन ले आई थी ऐसे ही, देखिए ये महाकाल की चेन लेके आई। और ना ये वो ऐसे वो तिलक वगैरह लगाने के लिए ना ऐसे स्टेंसिल्स, ये भी लेके आई। तो ये था आज का हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये हम लाए भोपाल से और ये हमें मिला, तो मैंने आज आपको अनबॉक्स करके दिखा दिया कि मैं भोपाल गई थी और मुझे क्या क्या मिला। हमने अनबॉक्सिंग वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरीके से बने रहें और आपके साथ हम लोग अपनी चीज़ें शेयर करते रहें और हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो होती रहे। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को वॉच कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले नए वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़।